कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देने नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। क्या बोला तूने? दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। जी तू नाम नहीं है यार उनका। मैंने गलत बोला? आप गलत बोली नहीं सकते। दामोदर, सॉरी, दामोदर शास्त्री जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई आपने पांचवी पढ़ करके ग्रेजुएशन वाली बात की है। भैया पांचवी पढ़ ग्रेजुएट वाली बात, वो भी हिंदी मीडियम। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी सरकार। अब नहीं है क्या? अभी भी है। कब चाहिए फिर? और कोई हट, ये हट भी नहीं सकती भैया। नहीं हट सकती ये चीज। ये ज्ञान है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सही है। जय सियाराम। भैया मैं विश्व हिंदू परिषद से सहगौरोच्छ प्रमुख हूँ। 25 फुटा रोड पड़ता है ये मेरा, ये पीछे, ठीक है। तो बात मेरी, मतलब मेरी एक छोटी सी बात, ये एक मतलब ये क्या है नीतीश बीतीश, ये बिहार में ये क्या गठबंधन है? मतलब यार तीन चार बार हार गए, क्या पब्लिक को चूतिया बना रहे हो क्या? हर बार पब्लिक चूतिया बनेगी। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी सरकार। अब नहीं है क्या? अभी भी है। कब चाहिए फिर? और कोई हट, ये हट भी नहीं सकती भैया। नहीं हट सकती ये चीज। पढ़े लिखे कितने हो? मैं पांचवी क्लास। तब तुम्हारे लिए, वो भी हिंदी मीडियम। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो नर्सरी क्लास पढ़ा हुआ है, जो जो मतलब थर्ड क्लास भी पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर भी आज ये ज्ञान है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सही है। जय सियाराम। जय सियाराम। और सुनो, हमारा मंदिर बन चुका है, इनको इनको अब चिरमराट हो रही है। हमारा हनुमान अमर सियाराम आ चुके हैं। 60 से 65 साल हो गई, जो एक से एक नेता आए कोई नहीं करवा पाया। मोदी जी ने तो मैंने देखा था, एक उनका मैंने एक चीज देखी थी, सुनो भैया, हेलो, एक वीडियो देखी थी मैंने उनकी, कि जिसके मायके लाल में दम हो वो झंडे चौक पर झंडा लहरा के दिखला दे। और हमारे मोदी जी ने जिस टाइम सीएम बनने के उस पर मोदी जी ने हमारे ने करके दिखलाया और फायरिंग भी हुई। जय सियाराम। जय सियाराम। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा, ओके भाई, बिल्कुल शिक्षा जरूरी है। पांचवा तक क्यों पढ़ा? क्यों नहीं है? पांचवी तक क्यों पढ़ा? पांचवी तक कुछ भैया मेरे आगे मजबूरी आ गई। अभी अभी भी जॉब करके आ रहा हूँ भैया जी। जॉब करके आ रहा हूँ जी। 122 सोसाइटी में काम करता हूँ, मेंटेनेंस में, हेल्प डेस्क का। कंप्लेंट नोट करता हूँ सोसाइटी वालों की। बड़ी अच्छी जॉब है। बजरंग दल में भी हूँ क्या? सूचना पे, सूचना आएगी तो सूचना ड्यूटी छोड़ देंगे यार। सूचना के पीछे गौर अच्छा करेंगे, छोड़ देंगे ड्यूटी वूटी। क्या है ड्यूटी वूटी? ये मोदी जी का जमाना है, ये कोई वैसा वैसा जमाना ना है। कितना मिलता है मुझे? मेरे को क्यों पैसा मिलेगा? मैं सेवा करता हूँ, मेरे को पैसा मिल रहा है मेरा, मैं काम कर रहा हूँ। घर परिवार की सेवा नहीं करनी? करनी है, क्यों नहीं करनी? सेवा भी करते हैं वहाँ पिताजी। चलो मेरे घर पे पूछ लो माता पिताजी से भी। फ्री में कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा फ्री में? फ्री में कोई नहीं खिलाता। पैसा नहीं मिलेगा तो फ्री में कौन खिलाएगा? कौन? मेरे को चाहे एक भी रुपया ना मिले, मेरे को एक रुपया ना मिले, लेकिन मैं गौर अच्छा करता रहूंगा जीवन भर। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देने नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। अरे कांग्रेस वाला बोलता है कि मोदी को इस बार भगा के छोड़ेंगे, कांग्रेस गुजरात भेजेंगे। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस में तो शराब है भैया जी। कैसा है? कैसे शराब? आपको याद होगा, आप तो खैर प्रेस में हो, एक संत ने, मतलब इंदिरा गांधी गई थी उसके पास, तो उसने ये बोला था, संत ने ये बोला, संत से इंदिरा गांधी ने बोला कि जो तुम्हारे जो भूचड़ भूचड़ खाने हैं ना, ये मैं बंद करवा दूंगी। किसी टाइम पे बोला था, कह रहा मैं सन बन तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये चीज़ बोली थी। तो वो जीत गई इंदिरा गांधी, उसने भूचड़ खाने बंद नहीं करवाए, कोर्ट के सामने धरना करा संतों ने, हमारे सनातन धर्म वालों ने, और गोली वोली चलवा दी, संत बंद मर गए। और संतों ने क्या बोला कि हमारे संत बेशक मर गए हो, लेकिन मैं एक शराब देता हूँ। कांग्रेस पे एक दिन पब्लिक हंसेगी, जनता हंसेगी, और कांग्रेस के एक दिन कोई काम नहीं आएगा। अच्छा, ये न्यूज़ आपको वही दौर है? ये वही दौर है? ये न्यूज़ कहाँ से मिला आपको? किसको? हमें नहीं पता भैया जी, अपने सोशल मीडिया अपना फेमस है। यहाँ से जाएंगे व्हाट्सएप पे आता है? सुनो, किसके व्हाट्सएप पे नहीं आता? यूट्यूब पे सब देखता हूँ भैया। अच्छा, यूट्यूब पे आता है? सब देखता हूँ, सारी लोग, सब चीज इन्फॉर्मेशन सब आती है यूट्यूब पे, क्या चीज है क्या चीज नहीं। ये बताओ, धर्म जरूरी है या शिक्षा जरूरी? धर्म भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। पहले कौन? दोनों में से अगर चुनना पड़े, दोनों इक्वल? नहीं नहीं नहीं, दोनों में से कोई एक चुनो। दोनों में से पहले कौन, धर्म या शिक्षा? एक चीज बताऊं भैया, पहले गौरक्षा या क्लास में जाओ? नहीं सुनो भैया, एक सेकंड, मैं भैया का जवाब दे रहा हूँ। अगर देखा जाए ना, अगर धर्म जरूरी है ना, तो अगर हम धर्म अगर चूज करेंगे ना,
तो शिक्षा में ऑटोमेटिकली भगवान दे देगा। अच्छा, दे देगा अगर यही बात है तो। कालिदास अगर सुनो, अगर कालिदास नहीं वरदान में मिल रहा है, वरदान ही समझ लो। अरे राम जी की कृपा है भैया, क्या बात कर। कालिदास वो सत्य होगा, सत्य होगा। और बताओ बच्चों को पढ़ाना, पहले आपको धर्म चाहिए। कौन नहीं पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएंगे पहले ये बताइए। छोड़िए, किसेंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप कहा बताओ है, आप कहा नहीं पढ़े। मजबूरी थी, मजबूरी वो हमारे पिताजी की मजबूरी थी। अब हम आ गए, अब हम खड़े हो गए तो हमें नहीं बच्चों को सुनो नहीं, पहले किस में लगाओगे, धर्म सेवा में या शिक्षा में? किसको? बच्चे को पहले तो शिक्षा ही जरूरी है। अच्छा, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बाद और क्या। पहले तो हिंदू खतरे में है। कौन है हिंदू खतरे में? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। मुझसे बड़ा कोई कट्टर है यहाँ पे हिंदू पूरे क्षेत्र में है कोई? क्या होगा तो है कट्टर भागवत का मतलब तो नहाया भी ना हूँ मैं पूजा। अरे नहाया नहीं हूँ मैं, बेशक नहाया नहीं हूँ मैं, नहाया नहीं हूँ, लेकिन हिंदू कट्टर हूँ। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू जब खतरे में नहीं था। अब बीजेपी की सरकार है लेकिन हिंदू खतरे में है। अच्छा, 5 तक पढ़ो हिंदू खतरे में आएगा। हिंदू अच्छा 5 तक पढ़ूंगा हिंदू खतरे में आएगा, उससे और ज्यादा पढ़ लूंगा तो नहीं आएगा। ठीक है सुनो, रुक जाओ। अच्छा 5 तक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हिंदू खतरे में मेरे क्षेत्र में हिंदू खतरे में नहीं है। बाकी कहीं पे भी अगर कुछ भी बात हो जो वो ठीक है, मैं क्षेत्र की गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ कोई भी अगर हिंदू बोल दे कि मैं खतरे में हूँ, वो होगा तो अपने लिए होगा, गांड फटती होगी उसकी, लेकिन मैं ना हूँ खतरे में पूरे क्षेत्र में। सह गौर अच्छा प्रमुख हूँ विश्व हिंदू। भाई आपने 5वीं पढ़ करके ग्रेजुएशन वाली बात की है। भैया 5वीं पढ़ ग्रेजुएट वाली बात, वो भी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम उस टाइम पे सरकारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह था उस टाइम पे प्रधानमंत्री। अच्छा सरकार, मैंने 5वीं क्लास पास करी थी हिंदी मीडियम, वो भी उसके बाद मैं मोदी किसको नहीं जानता। आज मैं बच्चा जानता है यार, ये कौन है यार। काम ही मोदी जी ने ऐसा किया आप जैसे प्रोडक्ट को। भैया जी हर किसी में नॉलेज आ रही है, जो नुकेरा ना बालक के मैं नहीं जानता। आज के एक बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। ठीक है, उस जमाने में जो भी बालक था ना 4 से 5 या 6 साल का, नाम नहीं बता सकता था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आज 4 या 5 साल के बच्चे से पूछ लो प्रधानमंत्री कौन है, मेरे मुंह पे थूक देना अगर ये बात तो बता दे के नरेंद्र मोदी। ये बात तो बताओ भैया, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो बताओ हो जाएगी। कौन? अच्छा मोदी, इधर सुनिए, कांग्रेस में कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो आपको लगा हो सही है? कौन? कांग्रेस में अच्छा काम किया या कांग्रेस के अलावा मोदी जी के अलावा कोई? भैया जी ना तो मेरे को प्रियंका गांधी सही लगती, ना सोनिया गांधी, ना प्रधानमंत्री जो रहा है पर अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा बीजेपी के से। बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस का मैं किसी को नहीं मानता जी, किसी को नहीं। राजीव गांधी पे नाम ही नहीं लेना चाहता, जुबान पे नाम ही नहीं लेना चाहता मैं। राजीव गांधी मैं है, नेहरू जी का भी नहीं, किसी का नहीं, इंदिरा गांधी का भी किसी का नहीं, किसी का नहीं। मैं कांग्रेस को मानता ही नहीं हूँ। कांग्रेस के बारे में क्या है, कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, नहीं। कौन कांग्रेस, किसके बारे में बात करी, क्या है कांग्रेस? अरे आप मत दम लगा लेना, और 20 साल तक भूल जाओ कोई सरकार आ जाए। बिल्कुल सही है, 20 साल ही राज करो, बीजेपी रहेगी जी, बीजेपी। भैया मैं देखो, मैं इतनी तो कह नहीं रहा, लेकिन 10 या 15 साल तक है ना पब्लिक भूल जाए, जनता भूल जाएगा कांग्रेस आएगी। बात बताइए, आपको तो ज्ञान बहुत है यार, ये सब ज्ञान आता कहाँ से? भैया जी अब आजकल मैं सबसे बड़ा तो भैया सुनो, जय श्री सबसे बड़े भैया भैया मेरे को YouTube है किसका, YouTube का नाम नहीं पता, YouTube का मालिक कौन है? YouTube का मालिक हाँ जी जावेद है, मुसलमान है वो, जावेद करी मोमडन है जी, लेकिन हाँ मोमडन है वो, लेकिन मैं सुनो नहीं रुक जाओ, मोमडन है वो बंदा बनाने वाला, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं बहुत बोल, जो हमें नॉलेज मिल रही है आजकल यूट्यूब से। दो दो ढाई ढाई बजे तक YouTube देखते हैं, हर चीज मिलती है हमें, कौन कौन सी कांग्रेस, कौन सरकार, कौन कौन सी हिंदू खतरे में बता सकता है कौन, तो 5 उंगली एक सी होती है क्या? 5 उंगली एक सी है क्या? अच्छा भैया इधर सुनो, भैया इधर सुनो भैया, अरे भैया इधर सुनो, एक मोमडन दोस्त को मैंने हिंदू बनवाया। अरे छोड़िए, और बताओ, मैंने बनवाया धर्म, धर्म छोड़िए, साजिद नाम है उसका, और अब उसका नाम बदलवा के आधार आधार कार्ड में सोनू करवा दिया। ठीक है शादी वादी भी मेरे साथ चलो आप, ठीक है शादी वादी भी करवा दो, बताओ इधर सुनिए मेरे साथ चलो आप। मोदी जी का पूरा नाम बताओ, दामोदर शास्त्री, ये सही पकड़े आप, दामोदर शास्त्री, ये सही पकड़े आप, और आगे दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे जी, क्यों नाम नहीं है यार उनका, दामोदर शास्त्री नाम नहीं ना, ना। मैंने गलत बोल, आप गलत बोल ही नहीं सकते। दामोदर शास्त्री जी जी सॉरी, मोदी जी अगर आप सुन लो।